हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूट्यूबर्स लोग हैं वो अगर फ़ोन पर कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि वो अगर कोई ये क्लिक करना है वो क्लिक करना है, तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, जो सामने देखने वाले लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता चल पाता है। अगर आप ये काम अगर ये प्रोसेस को आप फास्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपने क्या क्लिक किया है, कब क्या क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऐसा सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपके अपने ही एंड्रॉयड मोबाइल में, जिसे इनेबल करने के बाद आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और सामने वाले को समझाते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आज इस टॉपिक पर आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे करना है सेटिंग और इसे कैसे इनेबल करना है, ताकि जब भी आप अपना अगला वीडियो डालें तो इस सेटिंग को करने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जब भी आप सामने वाले को समझाएंगे तब वो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएगा और देख भी पाएगा। दोस्तों, इससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, तो मैं जानता हूँ आगे चलकर आप भूल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से उस सेटिंग के बारे में कि आपको कौन सा सेटिंग इनेबल करना है, जिसके माध्यम से आप अपने सब्सक्राइबर को गेन कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमें चले जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों, हमें चले जाना है सेटिंग में। तो मैं यहां से डायरेक्टली सेटिंग में चला जाता हूं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेवलपर ऑप्शन। इस डेवलपर ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों, हमें सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ी नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों, हमें एक ऑप्शन दिखेगा ये इनपुट में दोस्तों, सो टैप्स, सो विजुअल फीडबैक फॉर टैप्स। तो इसे हमें ऑन कर देना है। दोस्तों, इसे ऑन कर देने के बाद होगा क्या कि जब भी हम कहीं टच करेंगे किसी भी एरिया में, तो फ़ोन के स्क्रीन पर तो आप देख पा रहे होंगे हमें एक छोटा सा डॉट जैसा बिंदु दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब भी आपका कोई वीडियो सामने वाला देखेगा तो आपको उनको अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहां पर क्लिक कर रहे हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप अभी अप्लाई करें और अपने अगले वीडियो के लिए तैयार। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।